नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के क्लास 5 के बारे में। इससे पहले हमने चार क्लास को देख लिया है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन सभी लेसन को भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, वो सभी क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तब। तो ज्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फायदा हो सके, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं, तो पहला टॉपिक है मानक प्रमाण पत्र। और मानक प्रमाण पत्र होता क्या आप लोगों को पता होगा, जैसे आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और ISO 9001 का उपयोग किया जाता है गुणवत्ता प्रबंधन के लिए, मतलब जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी सर्टिफाइड करता है ISO 9001। उसके बाद यहाँ देखिएगा ISO 14001, मतलब 14001 उपयोग होता है पर्यावरण प्रबंधन के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ISO 22000 उपयोग किया जाता है खाद्य सुरक्षा के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ISO 27001, ठीक है, 27001 उपयोग किया जाता है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। उसके बाद यहाँ देखिएगा ISO 9002 का उपयोग किया जाता है आभूषण की शुद्धता के लिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप देख के जाइएगा। उसके बाद ISO 18001 का उपयोग किया जाता है व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा ISO 15700 का उपयोग किया जाता है अमूल्य सेवा गुणवत्ता प्रबंधन के लिए, ठीक है। तो ये जो टॉपिक मैंने बताया मानक प्रमाण पत्र, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है और हो सकता है कि ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाए इनसे क्वेश्चन, तो इनको काफी अच्छे से आप देख लीजिएगा। अब हम अगले टॉपिक को देखते हैं। दोस्तों हम अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है और काफी आसान है, इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है मात्रकों के उपसर्ग, ठीक है। तो आपने सुना होगा इनके बारे में, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स को। एक्स को हम ई से लिखते हैं और एक्स का मतलब क्या होता है, 10^18 होता है। उसके बाद पेटा, पेटा को पी से लिखते हैं और इसका मतलब क्या होता है, 10^15 होता है। उसके बाद पेरा, पेरा को टी से लिखते हैं, इसका मतलब होता है 10^12 है। उसके बाद गीगा, गीगा का मतलब होता है 10^9 आपने सुना होगा। मेगा, मेगा को एम से लिखते हैं, इसका मतलब होता है 10^6 है। उसके बाद किलो, किलो को के से लिखते हैं, आप लोग जानते होंगे किलो को के से लिखते हैं और इसका मतलब होता है 10^3। उसके बाद हेक्टो, हेक्टो का मतलब होता है 10^2 और इसको लिखते हैं एच से। उसके बाद हम देखते हैं डेका, डेका का मतलब होता है डीए से हम लिखते हैं डेका को और इसको हम डिनोट करते हैं 10^1 से। उसके बाद एटो, एटो को हम ए से डिनोट करते हैं और इसका मतलब क्या होता है, 10^-18 से। उसके बाद फेमटो, फेमटो को एफ से डिनोट करते हैं और इसका मतलब क्या होता है, 10^-15। उसके बाद पीको, पीको का मतलब क्या होता है, पी और इसको डिनोट करते हैं 10^-12 से। उसके बाद नैनो, नैनो को एन से लिखते हैं और इसका मतलब क्या होता है, 10^-9 से, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माइक्रो भी इम्पोर्टेंट है, माइक्रो को हम म्यू से लिखते हैं, 10^-6 से इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिएगा मिली, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम डिनोट करते हैं 10^-3 से और लिखते हैं एम से, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सेंटी, सेंटी आप लोग जानते होंगे 10^-2 से सेंटी को हम डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिएगा डीसी, डीसी को डी से लिखते हैं और इसको डिनोट करते हैं 10^-1 से। तो अभी जो भी मैंने बताया, जो भी आपको टॉपिक बताया, सभी कुछ सभी टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है, आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो देख के आपको जल्दी याद हो सकता है, तो कोशिश कीजिएगा कि एक दो बार वीडियो आप देख लीजिए, अपने आप आपको याद हो सकता है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है सूर्य से ग्रहों का पोजिशन, ठीक है, क्रम और लेंथ भी देखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है, तो सबसे पहले जो प्लेनेट आता है ना वो आता है बुध, बुध सबसे पहले पोजीशन पे होता है और बुध को इंग्लिश में बोला जाता है मरकरी। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है शुक्र और शुक्र को सुबह का तारा भी बोला जाता है और ये इसको इंग्लिश में बोला जाता है वेनस। ये इसका क्रम क्या होता है, दूसरा होता है पोजीशन के हिसाब से। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे आता है हमारा पृथ्वी,
पृथ्वी को बोला जाता है अर्थ इंग्लिश में। उसके बाद मंगल, मंगल पृथ्वी के बाद आता है और इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्स। उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति बृहस्पति को इंग्लिश में बोला जाता है जुपिटर, ठीक है। और उसके बाद छठे नंबर पे आता है शनि, शनि को इंग्लिश में बोलते हैं सैटर्न, ठीक है। उसके बाद सातवें नंबर पे आता है यूरेनस, यूरेनस को इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस, हिंदी में बोलते हैं अरुण। उसके बाद यहाँ पे नंबर आठ में नेपच्यून, नेपच्यून को हिंदी में बोला जाता है वरुण। सबसे लास्ट में क्या आता है, नेपच्यून आता है, ठीक है। तो नेपच्यून क्या हो जाता है, सबसे अंतिम पोजीशन हो गया। अब लेंथ देखते हैं, तो लेंथ में सबसे जिसका लेंथ है मतलब सबसे लार्जेस्ट है, यहाँ लेंथ नहीं होगा, लार्जेस्ट हो जाएगा, लार्जेस्ट सबसे लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा यहाँ पे बृहस्पति, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट हो गया बृहस्पति। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड नंबर पे आ जाएगा शनि, ठीक है, दूसरे स्थान पे शनि है। उसके बाद तीसरे स्थान पे यूरेनस होता है, उसके बाद चौथे स्थान पे होता है नेपच्यून, उसके बाद पांचवे स्थान पे हमारा पृथ्वी आता है, उसके बाद छठे स्थान पे आता है शुक्र और सातवें स्थान पे आता है मंगल, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह होता है बुध, ठीक है। बुध पृथ्वी नहीं, बुध सूर्य का 88 दिनों में एक चक्कर लगाता है और पृथ्वी का आपको पता होगा 365 दिनों में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बुध के बारे में। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते थे इनसे, उनको हमने देख लिया, ठीक है। तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, हम अगले टॉपिक को देखते हैं। तो अगला टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। अब सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला है ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर का काम क्या होता है, मौसम से रिलेटेड जो भी घटना होती है ना, वो ट्रोपोस्फीयर में होती है, ठीक है। मौसमी घटनाएं घटित होती है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। उसके बाद दूसरा है समताप मंडल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, और इसका काम होता है कि वायुमंडल की उड़ानों के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद क्या है, ओजोन मंडल, ओजोन मंडल का आप लोगों को यूज पता होगा कि ओजोन परत एक लेयर होता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना ओजोनोस्फीयर, और ये क्या करता है, पैराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है ना, जो हानिकारक किरणें उसको रोकता है, ठीक है, उसको अवशोषित करता है या मतलब अपने में सोखता है। उसके बाद यहाँ देखिएगा आयन मंडल, इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर, इसका काम होता है रेडियो रडार और टेलीफोन की सुविधा इसी से प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा पांचवें नंबर पे है बहरसी मंडल है यहाँ पे, ठीक है, बाहर इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो इसका काम होता है अंतरिक्ष यात्री एवं उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो इसका काम आप लोगों को समझ गया होगा, अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं।